किसी के बारे में बोल, मेरे बारे में नहीं, लेकिन मर जाएगा एक दिन, तू जिएगा, तू अमर रहेगा, अमर आया तू यहाँ, जब यहाँ पे देवता तक नहीं रहे तो तू रह गया यहाँ पे, दिख रहे बड़ा दिख रहे पढ़ के बैठा यहाँ। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। इसने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया, इस पे कोप पड़ेगा, सवेरे तक मारा जाएगा, ये लठों से पिटेगा पूरी रात, सवेरे इसका नाम और निशान मिल जाएगा। भैया आप किस लिए खड़े हैं? ये कोप का भाजन बनेगा, नहीं पीछे नहीं वहाँ पर, और ये चाय पीता ही खत्म हो जाएगा। ज्वालाएं इसको जला के राख कर देंगी, इस पे किलो की बारिश होगी, उल्का पिंड पड़ेंगे, इस पे ऊपर से पहाड़ गिर पड़ेंगे, पृथ्वी हिल जाएगी, दहकते कोलों पे चलना पड़ेगा इसे। हाँ, और ये गिर के नाक रख लेगा पैरों में और कहेगा नंदू भैया माफ करा दे मुझे गुरु जी से, मैं उनका कोप नहीं झेल सकता। तब नंदू इसका माफ कर दियो, नहीं कर दियो, नहीं करूंगा, कर दियो, नहीं इसके जैसा ही बनेगा तू, नहीं तो फिर जब इसके जैसा बनेगा नहीं तो माफ कर देना। तो ये तो वैसा है, ये मैं माफ कर दूंगा, ये वापस वैसे ही हो जाएगा, ये तो उससे भी वो नीचे वाला है ना ये। नहीं ये बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं है ये, अकड़ू है, हरियाणा का है नू। अच्छे लोग तो अच्छे लोगों को पहचान जाते हैं, इसके पास तो दिमाग ही नहीं है। दूध पिया कर तू भी, चाय पीने से तो दिमाग खत्म हो जाता है। अबे दूध पीता कैल्शियम की कमी है तेरे अंदर, तू तो नहीं पता है कैल्शियम। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। जो कहते तेरे जैसा बुढ़ा दूध पिएगा, बच्चा दूध भी पिएगा तू? हाँ क्या कहते इसको, तेरे जैसा बुढ़ा दूध पिएगा, बच्चा दूध भी पिएगा तू? अब तो कुछ लगेगा भी नहीं, इतना बुढ़ापा आ गया है। आपका तो मशीन खराब हो गई। हाँ, मशीन तो सारा सिस्टम हैक हो चुका है, अब क्या होगा। वो कह रही है कोई इसके अंदर तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। क्या कर रहा है प्रीतम भैया? हाँ हाँ, उठा के फेंक दूंगा धाम के बाहर, ज्यादा बोला तो तू फेंक देगा मुझे। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। इसके मैं गंदे लोगों के पास थोड़ी ना जाऊंगा। गंदे किसको बोला, किसको बोला? तेरे को, 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 तेरे को। अरे यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, यहाँ आके जब बताता हूँ। अभी आ रहे हैं हम दोनों, यहाँ रहे इकट्ठे आए हैं हम दोनों, अभी आ गए, चाय पी ले, अभी इकट्ठे आ रहे हैं हम दोनों। भाई तू मिला के बैठा है, आखिरी बच्चा तो बच्चा ही बनेगा, झूठ बोल रहा है इस बात को। बच्चा तो एक मिनट में नंदू हो गया, एक मिनट में बच्चा हो गया, एक मिनट में कुछ नहीं कर रहा है तू, नंदू ही बच्चा क्या हो रहा है यहाँ, कुछ भी नहीं, सब कुछ छोटा कर रहा है, ये गुरु जी की आज्ञा का पालन है जो कुछ तू मान रहा है, बाकी मैं नहीं मानता तुझे कुछ भी। शनिदेव को कैसे मान पाएगा जब अपने गुरु जी को नहीं मान रहा? जब तो 27 तारीख को नहीं गए, 27 तारीख किसकी डिसाइड थी? क्या तकलीफ हो रही भाई, पहली बार आई है? चीजें खुल रही हैं, कोई बात नहीं है, चीजें खुलेंगी तो। नंदू देख उसको, क्या देख उसको, देख ऐसे नंदू की तरह ऐसे कल्याण के काम में भाग ले, आ गया ना समझ में? मैं तो सोच रहा तू अच्छा काम करेगा, तूने तो बहुत बुरा काम किया आज। सांस की पूरी क्रिया आ रही है, सांस नहीं है ना, सांस नहीं है। हाँ, सांस की पूरी क्रिया आ रही है, वो भी इसी में मरी है। ले नंदू ने कर दी ना पुष्टि, अपने गुरु के कोप से बचना है। नंदू से माफी मांगेगा, भाई कहेगा उसको, भाई मेरे से गलती हो गई, ऐसे सब कुछ छोड़ के
असल में इसको लाज हया लग रही है, ये हरियाणा का गुरु है ना, इसको समझ में नहीं आता माफी भी मांगनी होती है कहीं कहीं, और इसने गलती कर दी है। नंदू जब मैं इसके चुपिया पकड़ रहा हूँ और इसको जाना चाहिए था वहां तेरे पास की नहीं, नहीं जाना चाहिए था ना, कहा है तो वो नहीं, तो मैं है ऐसे, वो तो है नहीं, मैं ऐसे किसके लिए बोलूंगा, तभी तो कुछ समझ नहीं आता इसको, चाय पी लो, चाय तो और खत्म हो जाएगी, और ले ले चाय मेरी में से बचती है, ले ले। नहीं नंदू ने बताया चाय कल ही आ जाए गुरु की झूठी चाय पी के, ले भाई दे इसको, नंदू ने झूठी चाय पी के कल आएगी इसको, दे नंदू ने बताया चाय पी लो नहीं तो और खत्म हो जाएगा, चाय नहीं छोड़ता है ये हरियाणा का बुड्ढा है, ये गुरु का प्रसाद समझ के पी जाएगा, कल आ जाएगी इसको, अभी के अभी इसको नंदू दिखाई देने लग जाएगा छोटा बच्चा, देखता रहे तू। हाँ नंदू, इसको कितनी चीजें हैं प्रसाद से। अच्छा ये जो है इसकी चीज अभी क्या कर रही है, इसको कष्ट कैसे दे रही है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, गर्दन में सबसे गले में दिक्कत हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, सर भारी हो जाता है, आंखों में जलन हो जाती है, सांस लेने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, पैर में भारीपन महसूस होता है, पैर की उंगलियां जकड़ी हुई सी महसूस होती है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, ऐसे हो रहा है। पांच महीने पहले से बीमार, ज्यादा बीमार है, पांच महीने से ज्यादा बीमार है, बस एक मिनट बता दिया की और करेगा झूठा कहेगा, तू चाय पी ले, तेरे को अकल नहीं आई ना चाय पी के, अभी फिर नहीं आएगी तुझे जिंदगी में। हाँ और यहाँ आ जाए, कहते नंदू भाई गलती हो गई मुझसे, तू तो कल्याण के लिए आया शनि धाम में, हाँ देख कैसी इसकी अकल मारी गई भाई आज भाई। हाँ तो मैं किस किस को बुद्धि दूंगा बताऊ, मैं अपने ही भक्तों को बुद्धि नहीं दे पा रहा हूँ, किसको दूंगा, इसको तो देने की जरूरत ही नहीं है, इसको तो नंदू की रक्षा और करनी चाहिए थी, ये नंदू के ऊपर ही झपट पड़ा कौआ बन के बाज बन के, नहीं नंदू मैं सोच रहा ये नंदू की रक्षा करेगा, ये खड़ा हो जाएगा तो कोई नंदू की तरफ देखने का नहीं है, छोटा बच्चा है इसको कोई घसर देगा, नखून मार देगा दांत मार देगा, ये तो खुद ही बाज बन गया, बस अब माफ कर दे, गुस्सा त्याग दे, गुस्सा त्याग दे, नंदू तो दानी है, नंदू अभी भी माफ कर देगा, और भाई कह देगा तुझे, है ना नंदू, सब तो भाई होते हैं, सब तो भाई होते हैं नंदू, तो कह दिया भाई तू भी भाई है, देखा नंदू की दान था, किसी को थोड़ी ना चोट लगानी होती है, कितनी बड़ी बात कही नंदू ने, वो जो कुर्सी पे बैठी है उसको क्या हो रहा है नंदू, वो सांस से भर रही है, वो नीला सा सूट पहन लिया, इसके साथ में गंजा सा आदमी खड़ा है, आप लोग बैठे खड़े नहीं रहे, बैठिए जैसे कितने लोग खड़े बैठ जाएंगे, पूरी क्रिया मम्मी की बहन की थी, मम्मी पे भी मम्मी से इनको आ रही है पूरी क्रिया, बहन पे भी बहन, बहन भी है कोई, मम्मी की बहन, मम्मी की बहन, मम्मी की बहन भी दुखी है, क्या क्या आ गया और उसके शरीर में ऐसा वहां से खिचखिचा के, ऐसे तीन तीन वीडियो में क्रिया चल रही है, नंदू बता रहे तो उसको झूठा बताया जा रहा है भाई, ये तो गलत बात है भाई तुम्हारी, एक तो कोई बताने वाला नहीं है पूरे विश्व में नंदू जैसा, दूसरा तुम नंदू को जो है ना भेज रहे हो भाई, ऐसा कैसे चलेगा, जिसको माला पहना के सम्मान करना चाहिए, जिसकी रक्षा करनी चाहिए, जीवन दाव पे लगा के तुम उसको हानि पहुंचा रहे हो, चोट पहुंचा रहे हो, ऐसे कैसे नंदू काम करेगा, बिल्कुल ऐसी पहलवानी किस काम की, तुम तो शनि धाम को और नीचा गिराना चाहते हो, ये कौन सी बात है, हैं और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, अब आज्ञा और कर रहे हो, और गुरु कह रहे भाई रुक जा मान जा भाई, अपना वक्तव्य बदल ले, देख नंदू इसको क्या क्या हो रहा बता दे, और कब से हो रहा है ये भी बता दे, बॉडी में झटके लगते हैं, पीठ में दर्द, पीठ में झटके लगते हैं, पहले ये बता पीठ में दर्द हो रहा है, हाँ और कमर से पैर तक ज्यादा दर्द रहता है, कभी कभी सर के पीछे वाला हिस्सा सुन्न हो जाता है, कंधे भारी हो जाते हैं, ये दो साल से हो रहा है, ये दो साल से हो रहा है, बढ़ रहा है ना, दो साल से बढ़ता आ रहा है ना, अरे हाँ ना में जवाब दो, हाँ जी हाँ जी, नंदू का जरूर चाहिए, क्यों जी, इनको लग रहा है खुद ही नहीं पता है कब से हो रहा है, इनको लग रहा है खुद ही नहीं पता है कब से हो रहा है, हाँ जी कहना जरूरी है नंदू के लिए, क्या हाँ जी हो रहा है तो बताओ, हाँ जी ले हो रहा है नंदू, लो। और एक और खुशी की बात है कि अब पहल
और अब पहलवान आ रहा है अपने भाई नंदू को गले लगाएगा। तुम अकड़ में है, सुन ले पहलवान। जल जाएगा इसलिए। नंदू ये कह रहा मुझे गला नहीं लगा सकता, ये अगर गले लगा देगा मुझे तो जल जाएगा, इसलिए भाग रहा है। तू गले लगा के दिखा दे आज नंदू को। और नंदू भी यहाँ झूठा हो सकता है, एक बात है नंदू, अगर यहाँ तो झूठा हो सकता है, वैसे तो नंदू झूठा नहीं है, लेकिन यहाँ झूठा हो सकता है कि गले लगाया और जला नहीं। अगर इसने गले लगाया और नंदू जला नहीं, नहीं ये जला नहीं कुछ, तो इसका मतलब नंदू झूठा हो जाएगा। तू या नंदू को झूठा कर सकता है, देख भाई मैं जला नहीं और तेरे को गले लगाया, वैसे नहीं होगा तू झूठा कभी भी। आ गया ना समझ में? हाँ अरे इसको डर लग रहा है खुद ही। बता रहा हूँ सही बात है, अभी विचार बना रहे हैं, विचार बना रहे हैं। वो सोच रहा है कि क्या करने चाहिए, उसको समझ रहे हैं। लेकिन दिमाग है नहीं, इसीलिए तो इतनी देर लग रही है सोचने में। हाँ। दिमाग तो है नहीं इसलिए सोचने में इतनी देर लग रही है। दिमाग में जो चल रहा है वो बता देना, तो हम बता देंगे कि क्या करना है। दिमाग में जो चल रहा है वो बता देना ना, तो हम बता देंगे क्या चल रहा है दिमाग में, कि क्या करना है आगे, क्या करना है आगे हम बता देंगे, वही विचार कर लेंगे। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। तो पीछे के रास्ते से पहलवान जी आने लगे हैं। वीडियो बना रहे हैं। आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? रात को शनिदेव ना देखेंगे अब तो। मैं गुस्से में आया हूँ, शनिदेव नहीं आएंगे। अपने कुल को पतित करा के मानेगा ये? चलो खत्म करो बात को, लगा लो गले। तो इसने आज तक किसी से मांगी नहीं है, ज्यादा ऊंची ऊंचे रख रहे हैं। ये नहीं तुम कहते भाई नंदू गलती हो गई, मैंने तुझे पहचाना नहीं था। छोटा भाई है, छोटे तो झूठे ही होते, क्या हो गया? बता सकता मेरे बारे में? हाँ बताएगा ना जब गले लगाओगे। गलत बताया, गलत बताया, बता मेरे घर का, बताइए नंदू पुष्टि करता है, बताओ मेरा घर का पे। घर का पे ये नहीं बताएगा कैसा है घर, ये बताएगा नंदू? बता कैसा है मेरा घर, अभी बताएगा नंदू? कितने कमरे हैं, कितने कमरे हैं, कहाँ है मेरा घर और कैसा है, बता। अगर सच्ची करता तो पुष्टि तो पैर छू के माफी मांगेगा? वो पैर छू के माफी मांगेगा? कभी नहीं। अरे आऊंगा मैं, बताऊंगा मैं, किसी लिए भी नहीं, कभी भी नहीं। इससे देखो नंदू हमारा भाई है। हाँ, वो आपकी जगह बुक कर ली ना। नंदू हमारा भाई है, जगह बुक हो रही है तो ना, यो जो यो है तो हम हैं। ये सही बात है, गुरुजी की आज्ञा का पालन। बिल्कुल, हम तो गुरुजी की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, पहलवान जी की तरह थोड़ी है। अरे एक आध गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला भी तो होता है। पूरा शरीर हल्का हो गया, बीच बीच में कभी भारी हो जाता है, दर्द तो कहीं नहीं रह रहा है।
कहाँ गया? चालिया पहलवान हो गया फरार। यहाँ आया माफी मांग नंदू से। चल तेरा घर बतवाता हूँ, आजा। हाँ तेरा घर ढूंढेगा। आजा तब दिया। अब ना हो तो ये आगे आगे जाएगा। ए पगली पगली। तरसूल के पास जा रहा पहलवान, पहलवान तरसूल के पास जा रहा। तूने मारा उसको, हाथ खून उतारा, तूने उसका हाथ उतार दिया। यहाँ मैं घर पूछूंगा सारी बात बताएगा नंदू। आज तो सारी कलेसी कट जाएगी। हाँ नंबर भी दे देंगे, नंबर वो सुनील भैया का लिख रहा है, एकदम बता देना। यहाँ मेरे पास क्या हाथ पकड़ना मेरा। यहाँ चल उतर गए, आगे चल आगे। हाँ बैठ ओह, अब तो एक ही कोने पे दोनों है। मैं जो बताऊंगा कहेगा नहीं है, नहीं नहीं बताएगा, ऐसे नहीं है, इतना झूठा नहीं है। नहीं देवी देवी बन गई है घर में। मैं कैमरे को कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, आते हैं इधर। घर में पहले छोटा गेट है, वो ब्राउन कलर का है, लोहे का। अबे साले तेरे बाप बना के गया मेरे घर में गेट, कहाँ पे गेट तेरा? बताएगा वो सारी बात। ये कितना बोल रहा है? गेट बनाया है। अरे इसने जीतता जी कुछ ना बनाया नंदू। इसको कैसे पता होगा आगे का? तो किसी को लेके आने चाहिए था ना। नहीं है, सरला का लड़का है। लड़का कहाँ है भाई? पीछे पीछे। हाँ तू बता भाई घर कैसा है? मत बता अंकित, मत बता। गुरुजी को तो बता देना, लेकिन इससे पहले मत बता। पुष्टि करता मैं इसकी देखने चाहता हूँ पहले। आप वीडियो मत बनाइएगा। ओ उसको ये भी पता है, वीडियो देख के तो आई है, वीडियो देख करके तो आई है। अभी मत बता बेटे, झूठ बोलो। पहले इससे पुष्टि करवाएंगे गुरुजी, पहले इससे पुष्टि इसी से हाना करवाएंगे। इससे हाना करवाएंगे, तू बताएगा नंदू, अब बता दे।
ये बताएगा अंकित बताएगा घर में एक घुसते लोहे का भीतर थोड़ा छोटा है वो पहले ग्रीन कलर का था पहले ग्रीन कलर का था अब वो या तो ब्राउन या रेड है ऐसा कुछ है हां फिर भी माफ कर दिया हाँ भाई बिल्कुल लेकिन इसने जैसा घर बताया वो बिल्कुल झूठा घर तो बताया नहीं अभी घर तो बताया घर तो बताया नहीं अभी नहीं गया रुक जा ये बताएगा बता वहाँ भर रहे हाँ गैलरी इधर दो कमरे गैलरी के इधर भी दो कमरे महाराज की आपने इतने नंदू आप आधा आधा मकान बता दे बस बस फिर जाते इधर तरफ थोड़ा अंदर की तरफ ये एक ये किचन है पहलवान जी सिर झुकाओ पहलवान की हुई हार सच बता ना बैठोगेगा झूठ बोल रहा है भाई ये मेरा घर है ही नहीं दो कमरे के पास मेरा किचन है ये कह रहा हमारा मतलब बच्चे को भी झूठ बोलना सिखा रहा है अच्छा वो सच को स्वीकार भी ना करे ये ऐसा ऐसा कौन सा मार्जन देगी अरे गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है जब ये बुड्ढा मरा था ना ये जो जब गेट और गली थी नहीं तो छप्पड़ पड़ा था हाँ सही बात है नहीं छप्पड़ और एक बात है ये पूछना चाह रहा है कि मेरा घर कैसा है ये नंदू बताएगा कि नहीं किसके दिमाग में चल रहा है पूरा बता दिया तो इसका मतलब सब कुछ बता देगा मेरे बच्चों का उद्धार हो जाएगा ये नंदू ये चाह रहा है सुन ले खुद का उद्धार चाह रहा है ये खुद का उद्धार चाह रहा है सुन ले 27 तारीख को गया नहीं था ये कह रहे थे गुरु जी मुझे जाना है हर हाल में जाना है शनिदेव महाराज मुझे रख लेंगे और शनिदेव महाराज ने सेवा के लिए नंदू को तो रख लिया अब इसको नंदू से जलन हो रही है दो कमरे हैं उसके बाद ऐसे गहराई में आके किचन है मैं सब जानता हूँ ये गैलरी है दो कमरे हैं गैलरी के साथ आगे जाओगे ऐसे गहराई में अंदर किचन है मैं सब जानता हूँ नंदू जो बता रहे बोलिए श्रीदेव महाराज की चल के तो हमें 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 सबने सच सुन लिया ये नंदू अच्छा ये औरत सरला पैसे कहाँ रखती है नंदू पैसे अब ये झूठ बोलेगा अब की बार मैं इसको दूंगा वो कहा मेरा लाठी नहीं अंकित का भाई देगा मेरा बेटा अंकित ने सच बोला सीखा है लकड़ी का एक कबर्ड है तेरे बाप की तिजोरी में देगा जान से मार दूंगा तुझे लकड़ी का कबर्ड आगे लकड़ी के कबर्ड में ऐसे मतलब वो तिजोरी जैसी ऐसे चाबी से खोल के उसके में बहुत सारी ऐसे पर्स है छोटी छोटी हाँ छोटी छोटी पर्स है उसमें अलग 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 पैसे रखे हुए अरे पकड़ लिया पैसे अब बोल तू झूठ है कि नहीं अब बोल सब कुछ झूठ है अगर यही पुष्टि हो जाती तो मात्रा बाप बैठा है क्या मैं सरला क्या सच्ची पुष्टि तुझे नहीं पता मैं तो सरला का बता रहा हूँ इसका थोड़ी ना बता रहा हूँ मैं तेरा बाप हूँ मैं सरला अरे इसका तो पता ही नहीं ना ये सरला थोड़ी ना है ये सरला थोड़ी ना ऐसी जगह रखती है तेरी मम्मी पैसे हाँ
पता नहीं चल रहा है कहाँ रखती है। ये दुनिया भर के पर्स है ना, उनमें अलग अलग नोट रखती है, 500 के इसमें, 300 के इसमें, 200 के इसमें, 100 के इसमें, और हंस रही है। सिक्के अलग, ये सिक्कों की आवाज आ रही है, एक में तो खाली, अगर एक में तो खाली सिक्कों की आवाज आ रही है तो हम कितने दे दस दस के सिक्के पकड़ा दे, छोरे ने मकान लग रही है, नहीं 500 वाला पर्स इस तो देती नहीं, खड़ा हो तू यहाँ से निकम्मा, कहीं का ऐसा पितर है तू इनका निकम्मा, दुनिया भर का झूठ कहीं का तेरे आंखों के अंदर झूठ है, तू बेली हाई हो चुका है, तुझे गुरु का आदर नहीं है, अब तुझे गुरु का आदर नहीं है, अब तो बस ना कर रगड़ ले, सच बोल रहा है तब भी उसको उसको क्या कहते हैं वो कर रहा है, नंदू के पैरों में नाक रगड़ ले, हे भाई गलती होगी तू तो वाकई में सच बोलता है, है? है के जा, नंदू सच बोलता है, हाँ सच बोलता है, कह के जा नंदू, और तो झूठ नहीं बोला हो तो, झूठ नहीं बोला है नंदू ने, नंदू ने जितना बताया सारा, और तू सच्चा है, मैं सच्चा हूँ, जब मैं उसके घर में 20 साल से मेरी शादी को तब से आ रहा हूँ मैं यहाँ, तो मुझे कैसे नहीं पता, मैं अभी चाबी देती जोड़ी, मैं अभी यहाँ पे क्या, मैं चाबी लेके आया हूँ, तिजोरी है इसका मतलब, तिजोरी है इसका मतलब, बोला उसमें दुनिया भर के पे झूठ नहीं बोलता है नंदू, नंदू सो के बता देगा, सो के इधर 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 तेरा बताया सब बता दिया, तेरा खान दिया सब कुछ, तेरे बेटे ने हाँ भरी है, सब बात सच्ची है, ये बता भाई नंदू इसके पैसे कहाँ रखे हैं, किसने पूछ ले अपने पैसे कहाँ रखता है, पूछ लो हाँ भर लो बता देगा नंदू, सारे वो जितने पैसे जरूरत के बस उतने ड्रॉल में ऐसे रखे रहते हैं, सारे बैंक में रहते हैं, सारे बैंक में, बहुत अच्छा, ताली बजा लो भाई, ताली बजा लो, इनके पैसे थोड़े बताएंगे हम तेरे को, तेरे को पता चल जाएगा है भाई की सास पैसे कहाँ रखती है, हम क्यों बताएं तेरे को है, और पत्रकारों को तो मैं वैसे भी नहीं बताऊंगा ये बात पैसे कहाँ रखे हैं, कमाल की बात है भाई, ये हाथी है, ये लड़की कैसे पैसे रखती है अपने, नंदू ऐसे परीक्षा में फेल हो जाए, तेरा बेटा कभी परीक्षा में फेल नहीं हो सकता, जैसे ये किसी से मार नहीं खा सकता ऐसे ये परीक्षा में फेल नहीं हो सकता, नहीं भाई अंकित घर ठीक बता दिया, बस ठीक ताली बजा दो, पुराना गेट भी बता दिया था, छोटा कटका था पहले, और पहले क्या रंग था बाद में क्या रंग है वो भी बता दिया, बोलिए शनिदेव महाराज की, नंदू जब लगा दूध पीने, अभी तो तेरे जेवर और गिनवाऊंगा मैं नंदू पे, कितने हार है कितनी अंगूठी है सारे गिनवाऊंगा, क्या आंख दिखा रहे सारे कहां कहां क्या क्या रखा है टोटली, और कितना माल रखा है तिजोरी में, झूठ बोल रहा है बे, ये सारा झूठ बोल रहा है, मैं ठंडा खा लूंगा अब गुरुजी, क्षमा चाहता हूँ लेकिन ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेरे घर का वो नक्शा नहीं है, ना ही मेरे कमरे के आगे कोई किचन है, कमरे के आगे किचन नहीं है नलायक, ये गैलरी है, दो कमरे हैं गैलरी के साथ, और आगे से जाके वो नंदू की तरह ही बताया आपने, क्षमा चाहता हूँ आपने इसका पता किया, अरे ये पिछले जन्म में इसके कमरे के आगे चौतरा था गुरुजी, अरे झोपड़ी झोपड़ी थी इसकी, थोड़ा एक किस्मत था, देख लो तो तू क्यों मानेगा भाई तेरा घर, मैं तो सरला का बता रहा था, सरला का बता रहा था, मैं तो मेरा बाप निकल गया पहले, आ जा तू यहां, सरला का बता रहा तू, डंडा दे मैं तो मैं बताऊं ना बनाऊं पहले, मैं तो इतनी तगड़ा काबू पा होगा, एक मिनट में नंदू पड़ रहा है, एक मिनट में बच्चा पड़ रहा है, अरे नंदू ही बच्चा है, नंदू है बच्चे का नाम तो नंदू होता है, बच्चे का नाम नंदू होता है, ये तो गंगू है, मंगू को जानते हो, मंगू कौन है, हाँ मंगू तेरा भाई है, हाँ डर जा बताऊँ ना तेरे, सब वही समझ रखे मैं, ये लोगों ने इनने आदमों में इनके बताऊँ ना तेरे, पहलवान बहुत होशियार निकला, देख ला अपने 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 बारे में सारी बात जान ली, बहुत ऊंचा है, ठीक है, और सिर भी झुकाया नहीं, नहीं झुकाया, मात खाएगा गुरु के चरणों में, सिर नहीं झुकाएगा कहाँ जाएगा, आगे ना शनिदेव महाराज का कोप भाजन बनेगा, अभी तक तो पैर कटे हैं, फिर रात में पूरा कट जाएगा, ये कट कट के नहीं जाना चाहते, ये चाहते हैं बस ऐसे ही मुक्त हो जाए, इसीलिए तो ये आया था, लेकिन
अब तो ये कट कट के बता किसी और के बारे में। अब तो इसके टुकड़े ही हो जाएंगे। मेरे बारे में मत बता, और किसी के बारे में मत बता। मैं तो सबके बारे में बता चुका पहले। ये बता रहा है तू? सबको बता है, सबको बता चुका, सबको। बोलिए शनिदेव महाराज की। सबको तू फैल हो गया, सबको पता चल गया तू झूठ बोलता है। आपने इसका पक्ष लिया? अच्छा, तेरा पक्ष नहीं लिया। तू किसी के साथ मारा पिट्टी करेगा? और जो आदमी सच बोल रहा होगा, मैं असत्य का पक्ष ले लूंगा। तूने समझ कैसे लिया कि गुरुजी शनिदेव के भक्त होते हुए असत्य का पक्ष ले लेंगे? हैं? और तू सबको धमकाता रहेगा। हाँ। और तू अपनी ठाट में सबसे हाँ भरवा देगा। सरला के लड़के ने भी बता दिया उसका घर कैसा है। हाँ। अपने घर को ये पहचानता है, तू तो अपने घर को भी नहीं पहचानता। आ गए ना? हाँ, मैं तो इतने सारे लोगों को पहचानता हूँ, मैं तो इतना छोटा हूँ, ये तो लग रहा है इतना बड़ा है, ये तो इतना बड़ा है लग रहा, और ये तो इतना छोटा है। ये तो पोल खुल गई जी कुछ और। नहीं नहीं, इसके पैर कट गए ना, पैर कट गए ना उसके, मंत्र से पैर कट गए इसके। नंदू तो ऐसे जानता है, मैं यूं का यूं ही हूं। हां तू तो हमें यूं ही दिखा रहा है, इसका कुछ भी नहीं है। और पहलवान जी, रुक जा, सवेरे तक सारा अहंकार जल जाएगा। पहलवान जी अभी बताया था तुमने नाखून छिल गया, दो दिन में भागते हुए सरला को ये लेके आएगा, भाई मेरे टुकड़े टुकड़े हो गए, किसी तरह अग्नि में डाल दो। गुरु जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, सही कर दो, ऐसे 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 ही आएगा भागते हुए। हाँ भागते हुए। तबीयत खराब हो रही है मेरी। हाँ। सांस नहीं आ रही है, सांस पड़ रही है, भूत रही है। हाँ। के बारे में बताओ, सप्ताह सामरे के बारे में। हाँ। क्यों मारा बताओ, मुझे क्यों मारा बताओ। पटाखे फूट रहे हैं, पटाखे। दिल बहादुर है, दिल बहादुर हमें क्या पता है। तूने तूने सारे सबके 50-50 लाख रुपए छीन रखे थे, बदमाश था तू अपने एरिया का, तुझे घेर के इसलिए मारा गया। तू बदमाशी करता था, निकम्मा था, तू लड़कियां छेड़ता था। और क्या दत्ता सांभले, और क्या तूने तो था वो जो रुक जा बताएगा नंदू। नंदू को पता चल गया क्या था? ये प्रॉपर्टी डीलर था। हाँ, प्रॉपर्टी डीलर था। ऐसे सबकी प्रॉपर्टी वो ले ले, ऐसे हाँ, ले हड़पता था। वो सारे जिसकी प्रॉपर्टी पे जिन्होंने मारा इसको, सारे भाई थे, वो सारे गुंडे थे। और इसने गलती से उनकी प्रॉपर्टी पे हाथ डाल दिया। चले महाराज की। उसमें से किसका भाई है? बोरा बोरा इसका भाई, बोरा बोरा इसका भाई। ये सारे बल्ले बल्ले, आजा आजा, तू भी आजा, तू भी आजा। अरे असली आ जाओ, इसकी हिम्मत नहीं है वाले। सही बता रहा भाई।